अब हम जी जे कॉलेज के अंदर आ चुके हैं और ये हमारे क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें बच्चे शाम में आकर खेलते हैं। और इधर पार्किंग है, गाड़ी अपना लगा सकते हैं, बहुत ही सुविधा है। चलिए अब अंदर दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ है। अब आगे चलते हैं, इधर ये ऑफिस दिखाते हैं। ये ऑफिस है टीचर्स लोग के लिए, फिलहाल अभी तो बंद है कोरोना के कारण। ये यहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था किया गया है, बच्चे लोग आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज ये सब करने के लिए। चलिए अब और आगे हम दिखाते हैं आपको। ये माचा स्वामी का मूर्ति है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये जब से कॉलेज बना है उसी समय से ये बनाया हुआ है अभी तक। चलिए आपको और सामने से दिखाते हैं। ये है सामने डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ये जो आप सामने देख रहे हैं। ये आंधी तूफान काफ़ी बर्बाद कर दिया है सब चीज़। यहाँ का नेचर बहुत ही अच्छा है और हर हफ्ते नया यहाँ पे ट्री लगाया जाता है। ये जो सामने जगह है यहाँ पे सुबह आकर सब योगा करते हैं, बूढ़े जवान बच्चा सब। ये है फिजिक्स का डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, ये जो आप देख रहे हैं बगल में, यहाँ पूरा फिजिक्स के लिए बनाया हुआ है। जो अब बिहार के होंगे उनको तो पता ही होगा कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है और लॉकडाउन की तो सिचुएशन बढ़ा ही हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे लॉन्ग जंप सब करते हैं उनके लिए यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे लॉन्ग जंप हाई जंप सब होता है। यहाँ पे एकदम कलरफुल सब पेड़ और पत्ते होते हैं, काफ़ी सुंदर जगह है, आप आगे एक बार विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। ये एक वॉलीबॉल कोर्ट है, यहाँ पे बच्चे रोज खेलते हैं, अभी तो बरसात कारण पूरा खराब हो गया। अब हम लोग आपको हॉस्टल दिखाते हैं हमारा जीजे कॉलेज का। ये सामने जो है ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये पूरा गर्ल्स हॉस्टल है, और उसके बगल में जो आप देख रहे हैं वो बॉयज़ हॉस्टल है। ये आपको हम पास से दिखाते हैं। और ये हम आ चुके हैं अब बॉयज़ हॉस्टल, अपने बॉयज़ हॉस्टल के पास, आप देख सकते हैं एकदम पास से। अभी तो कोई नहीं है फिलहाल में, जब लॉकडाउन खुलेगा तब देखा जाए। ये जो है ये सामने छोटा सा बनाया हुआ गेस्ट के लिए, जो मतलब बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, तो उनके लिए ये बनाया हुआ। और उस उसी के बगल में जो रूम है उसमें एनसीसी का सामान ये सब रखा हुआ, देखिए आप बोर्ड देख सकते हैं एनसीसी का लगा हुआ है, और इधर में बगल में गेस्ट का है, और वो सामने है क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए, वो जो आप नेट देख सकते हैं
यहाँ से तो थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, आपको पास से दिखाते हैं हम जाकर। ये आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं, ये क्रिकेट ये छोटा सा जगह बना हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं अपने लाइफ में। और वो सामने जो पीछे छोटा सा घर बनाया हुआ है उसमें सारे क्रिकेट का सामान रखा हुआ है, हर एक चीज़ मिल जाएगा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। ये है बास्केटबॉल कोर्ट और ये थोड़ा काफ़ी पुराना हो गया क्योंकि बहुत पहले ही बना था और बहुत कम लोग यहाँ पर खेलते हैं बास्केटबॉल, तो इसलिए ये थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा इसको। ये देख सकते हैं आप साइड से, ये जो सामने है क्रिकेट ग्राउंड है ये, चलिए आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। हम लोग पानी पार कर चुके हैं, ये काफ़ी इसमें हम लोग गिरने से बच गए, एक बार फिसल रहे थे बच गए। शाम में काफ़ी ज़्यादा हवा चलता है यहाँ पे, यहाँ का नेचर आप देख ही सकते हैं बहुत ही सुंदर, एकदम हरा भरा लग रहा है, बहुत मेंटेन करके रखा जाता है यहाँ पे। यहाँ पे वर्कर्स हमेशा मेंटेन करते रहते हैं यहाँ के चीज वगैरह को, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सब चीज देखते रहते हैं यहाँ पे, देखभाल करते रहते हैं ताकि बच्चों को कमी ना हो किसी चीज़ की। जो हमने स्टार्टिंग दिखाया था यहाँ पे जो रनिंग करते हैं लोग यहाँ पे आकर एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, और ये हम इसके ऊपर से दिखाएंगे आपको क्रिकेट ग्राउंड काफ़ी बड़ा ही है, और ये साइड साइड में ट्रैक बना हुआ है, ये बरसात कारण पूरा पानी जम गया है इसलिए आपको लोग नहीं दिख रहे हैं। ये आपको पूरा चीज़ें कॉलेज का भी गाइज, यही हमारा छोटा सा एक ब्लॉग था और बरसात के कारण हम अभी ब्लॉग्स बना नहीं पाएंगे तो थोड़ा लेट आएगा ब्लॉग्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा।